500 साल बाद बन रहा दुर्लभ महाशुभ संयोग। 16 फरवरी विजय एकादशी, गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज़, आपकी 7 पीढ़ी तक रुपए पैसों में करेगी राज, कभी नहीं होगी धन की कमी, बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा, करोड़पति भी बन जाएंगे करोड़पति। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता यानी कि विजय प्राप्त होती है, साथ ही शत्रु पर भी जीत हासिल होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार यह विजय एकादशी यानी कि 16 फरवरी दिन गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार के दिन पड़ने से इसे गुरुवारी एकादशी भी कहा जा रहा है। दोस्तों, गुरुवार के दिन भी भगवान विष्णु जी का अति प्रिय दिन है, उसी प्रकार से एकादशी का दिन भी भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय दिन एकादशियों में से एक मानी जाती है, यानी कि सभी तिथियों में से एकादशी की तिथि भगवान विष्णु जी की प्रिय तिथि होती है। दोस्तों, इस बार की यह एकादशी तिथि गुरुवार के दिन पड़ने से इसका खास महत्व बढ़ गया है। दोस्तों, इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार की इस विजय एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धियोग अमृत सिद्धियोग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, बता दें कि पारण करने का जो दिन रहेगा वो 17 फरवरी के दिन रहेगा, तो पारण आप सुबह 6 बजकर यानी 17 फरवरी को सुबह 6 बजकर 2 मिनट से लेके और सुबह 8 बजकर 15 मिनट तक के बीच में आप कर सकते हैं। दोस्तों, विजय एकादशी के दिन इस बार कई दुर्लभ शुभ संयोग बनने से इस दिन का लाभ आप अवश्य उठाएं, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, माता लक्ष्मी जी की भी पूजा साथ में जरूर करें। इस एकादशी पर किए गए पूजा पाठ से आपको अत्यधिक लाभ होगा, बड़ी से बड़ी विपत्तियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। यह एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे खास दिन होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस एकादशी पर करने वाला और कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग के साथ विशेष योग में आई इस एकादशी पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है, धन की देवी माता लक्ष्मी जी की भी कृपा से धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है, करोड़पति भी बन जाते हैं करोड़पति, कष्टों से छुटकारा मिलता है और बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है, 7 पीढ़ी तक धन की कमी नहीं होती है, दुख दूर होंगे और सुख आएगा। दोस्तों, बता दें कि यह उपाय है यानी कि सबसे पहले तो आप इस दिन विजय एकादशी के दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठना है और उठने से पहले आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है। पूजा आराधना करने के बाद फिर आप इस दिन इन्हें भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र अर्पित करें। चूंकि इस दिन गुरुवार का दिन है तो हल्दी का टीका जरूर लगाएं भगवान विष्णु जी को और अपने माथे पर लगाएं। माता लक्ष्मी जी की भी पूजा इस दिन जरूर करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र के जाप करने से भगवान विष्णु जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, फिर आप क्या करें कि आप आटा ले लें और आटे को शुद्ध जल से गूंद कर उसकी एक रोटी तैयार कर लें। रोटी तैयार करने के बाद फिर आप एक किसी पात्र यानी कि पात्र में रख लें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास आप रख दें। फिर आप किसी पात्र में थोड़ा सा गुड़ लें, थोड़ी सी घी लें, थोड़ी सी मिश्री ले लें और आप थोड़ी सी हल्दी ले लें और फिर आप भगवान विष्णु जी को गुड़ घी का भोग लगाएं और इसके बाद फिर इस रोटी में गुड़ घी, थोड़ी सी हल्दी और एक चुटकी हल्दी और मिश्री रख कर ले जाकर गाय को चुपचाप खिला दें। गाय को खिलाते समय अपनी मनोकामना जरूर बोलें। ऐसा करने से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी और 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। चुपचाप आपको ये यानी कि रोटी खिलानी है। रोटी खिलाते समय अपनी मनोकामना जरूर बोलें। दोस्तों, ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है, कष्टों से छुटकारा मिलता है। विजय एकादशी यानी कि इस बार विजय गुरुवारी एकादशी के दिन आप एक मुट्ठी घास ले लें। एक मुट्ठी घास लेकर उसमें एक रोटी रख लें और फिर आप उसमें थोड़ी सी गुड़ घी, थोड़ी सी हल्दी रखकर फिर आप ले जाकर गाय को चुपचाप खिला दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके कष्टों से छुटकारा मिलेगा, साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी, स्थिर माता लक्ष्मी के वास होगा। दोस्तों, घर की सबसे पहली रोटी एकादशी के दिन गाय को खिलानी चाहिए। इस दिन गौशाला में एक घी का दीपक जरूर जलाएं
और माता गौ माता की 3 बार परिक्रमा करें। गौ माता में गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसलिए इसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। तो गाय को अपने घर की सबसे पहली रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों, गाय की इस दिन पूजा करना बहुत विशेष माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय का अहम यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और दोस्तों, गाय को इस दिन कभी भी द्वार पर आए तो उसे भगाएं ना और गाय को इस दिन मारें ना, और गाय को प्रणाम जरूर करें, उनके चरणों को अपने मस्तक से जरूर लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, विजय एकादशी के दिन गाय को आप गुड़, घी और तिल के बने लड्डू का सेवन जरूर करा दें। इस रोटी में रख कर कराएं तो इससे विशेष लाभ होगा। एक रोटी ले लें और उसमें गुड़, घी और तिल के बने लड्डू जरूर रख दें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी और जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से उपाय जरूर करें, माँ लक्ष्मी कृपा से घर आपका धन से भर जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माँ लक्ष्मी।